हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लिनक्स में पार्टीशंस कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होंगे, फॉर्मेट कैसे होता है, माउंटिंग कैसे होता है। इट मीन कि लिनक्स में पार्टीशन का पूरा कंसेप्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम लोग आने वाले 3-4 वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग आते हैं विंडोज़ पर। आप सबको पता ही होगा कि जो हमारा पार्टीशन होता है, ये होता है डिवाइडेशन ऑफ अ हार्ड डिस्क। इट मीन कि हार्ड डिस्क को बांटना। अच्छा, किसी पार्टीशन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि ताकि जो हमारा डेटा है वो हमारे अलग अलग प्लेसेस पे सेव हो पाए, और अगर हमारा ओवर्स करप्ट भी हो जाए तब भी हमारा डेटा सेव रहेगा। ओके, अब सेम एज यू नो कि पार्टीशन हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल। प्राइमरी में जो होता है वो हमारा ओवर्स भी इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा डेटा भी सेव हो जाएगा, और जो एक्सटेंडेड होता है वो एक लॉजिकल बाउंड्री होती है, और इस लॉजिकल बाउंड्री के अंदर बनते हैं हमारे लॉजिकल पार्टीशन। इट मीन कि जो एक्सटेंडेड है वो बस एक खाली प्लॉट सा है, और जो हमारे लॉजिकल पार्टीशन है वो उस खाली प्लॉट के अंदर के कमरे हैं। अच्छा, अब किसी भी हार्ड डिस्क में आप मैक्सिमम जो हमारे होते हैं वो सिर्फ 4 ही पार्टीशन होते हैं। अब गाइज, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये रहा हमारा प्राइमरी 1, 2 और 3, और ये रहा एक्सटेंडेड। प्राइमरी कम से कम 1 होता है और अधिक से अधिक 4 होंगे, और जो एक्सटेंडेड होता है वो कम से कम आपका 0 होता है और अधिक से अधिक हमारा 1 होता है। और एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल कम से कम हमारे 0 होते हैं और अधिक से अधिक 255 होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा ये है सिनेरियो है वो 1, 2, 3 हमारे प्राइमरी हैं, ये देखिए कलर के हिसाब से, और ये हमारा ये जो बाउंड्री है इट्स अ एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड के अंदर है हमारा लॉजिकल। अब सेम कंसेप्ट हमारे लिनक्स में भी यूज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं उस पर। उससे पहले जो होता है कि अगर आपको सबसे पहले तो अगर आपको चेक करना हो कि ये जो आपकी मशीन है इसमें कितनी हार्ड डिस्क अटैच हैं, तो उसके लिए कमांड होती है एफ डिस्क हाइफन एल और ये पाइप का साइन और ग्रैप और डिस्क, ये कमांड होती है। इससे शो हो जाता है कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क अटैच हैं। ओके, इसके हिसाब से अभी सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क अटैच है जो है देव के अंदर एसटीए। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम लोग आगे मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा अभी कि जो एसडीए होता है। अच्छा, उससे पहले ये जो हमारा देव होता है यह हमारे रूट के अंदर का एक फोल्डर होता है, और इसमें हमारे हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, और ये जो एसडीए होता है इट इंडिकेट साटा हार्ड डिस्क। एज यू नो कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो हमारी एक साटा होती है और एक बाटा होती है, तो जो साटा हो अगर आपकी अटैच होगी तो वो एसडीए होगा, और अगर पाटा होगी तो वो एचडीए होगा। ओके, ये हार्ड डिस्क हमारी 20 GB की है। इट मीन कि बाइट्स में ये इतनी है, इसके अंदर इतने सेक्टर्स हैं। ओके, ठीक है जी। तो अगली जो कमांड है वो है एफ डिस्क स्पेस हाइफन एल। इससे शो हो जाएगा कि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें कितने पार्टीशंस हैं। तो देखिए, इसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी साटा हार्ड डिस्क है, इसका साइज़ इतना है, बाइट्स में इतनी है, सेक्टर इतना है, एक सेक्टर 512 बाइट का होता है, ये सबको पता ही होगा। और यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर ये जो है ये जो एसडीए मतलब कि ये हमारी फर्स्ट हार्ड डिस्क है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपकी साटा की एक हार्ड डिस्क अटैच है तो वो एसडीए से शो होगी,
अगर आपकी दो अटैच हैं तो फिर अगली आपकी शो होगी एस डी बी, ऐसी तीसरी आपकी शो होगी एस डी सी। ओके अच्छा, फर्स्ट हार्ड डिस्क का जो ये फर्स्ट पार्टीशन है उसके अंदर ओवस है, क्योंकि यहाँ पर ये एस्ट्रिक शो हो रहा है। ये इस सेक्टर से स्टार्ट हुआ है और इस सेक्टर तक मतलब ये जो आपका साइज है वो इससे स्टार्ट हुआ है और इस पर एंड हुआ है, और इसमें इतने सेक्टर्स हैं। इसका साइज GB में इतना है और ये ID अभी हम लोग इसको अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे कि ये आई कि ये कि ये 83 क्या होता है, और ये लाइनेक्स का है। ठीक है, सेम SDA2 जो है उसमें इतना स्पेस आपका है। ओके तो अब अगर हमें SDA में अगर हमें एक और पार्टीशन बनाना है तो उसके लिए कमांड होती है एफ डिस्क, और जो भी हमारी हार्ड डिस्क होगी तो वो हमारी हार्ड डिस्क से SDA, अगर आपकी SDB होती तो आप SDB में आ जाओगे। ओके अब जैसे ही आप इसमें एंटर होंगे ये सामने आ गया आपका इस तरीके से। अब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्रेस एम, तो मैं प्रेस एम करता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हर एक चीज़ का मतलब आ गया है कि ए से क्या होगा। देखिए ए से ये होगा, बी से ये होगा, सी से ये होगा, डी से ये होगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमें एक नया पार्टीशन बनाना है, या पहले अगर आपको पार्टीशन अगर आपको देखने हैं तो आप प्रेस पी, देखिए प्रिंट द पार्टीशन टेबल, और एन से हमारा न्यू पार्टीशन होगा। ठीक है जी, तो मैंने किया प्रेस पी, ये देखिए इससे हमारा शो हो गया, और अगर हमें बनाना है तो हमें आ गया जी एन। अब इसने कहा जी कि इसमें सारा स्पेस पहले आपका फुल है, तो पहले हमें एक पार्टीशन को डिलीट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें SDA2 को अगर हमें हटाना है तो देखिए आप इसी में ही डी से होता है डिलीट आ पार्टीशन। तो कोई पार्टीशन कैसे अगर आपको हटाना है तो प्रेस डी, कौन सा हटाना है देखिए, एक हटाना है कि आपको दो हटाना है, तो देखिए डिफ़ॉल्ट में आपका 2 ही है, तो चाहे तो आप एंटर करिए, और अगर आपको एक को हटाना है तो आप एक आपका प्रेस होगा, तो आई जस्ट प्रेस 2, या फिर आप चाहे तो सिंपल एंटर भी कर सकते हैं। ओके ये पार्टीशन आपका हट गया है, प्रूफ प्रेस पी, ये देखिए ये हट गया है। अब अगर हमें एक नया पार्टीशन बनाना है तो प्रेस एन। ओके अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई है कि प्राइमरी आपको बनाना है कि एक्सटेंडरी बनाना है। अच्छा जो ये पार्टीशन नंबर 1, 2, 3 ये आपके प्राइमरी हो आपके होते हैं, और जो पार्टीशन नंबर 4 होता है वो एक्सटेंडेड होता है, और 5 और उससे ऊपर के हमारे लॉजिकल में काउंट होते हैं। ठीक है, अभी के लिए आई जस्ट मेक टू वॉन्ट प्राइमरी पार्टीशन, तो प्रेस पी और एंटर। ये पार्टीशन का नंबर क्या हो, तो हमने कहा जी 2 ही हो। ठीक है जी, इसका साइज इससे स्टार्ट होगा, इसमें अभी इतना स्पेस है, और इसका इससे हमने कहा ठीक है जी। और अब क्या इस अब ये जो आपका पार्टीशन है उसका साइज क्या हो, तो देखिए साइज की एंट्री ऐसे होगी प्लस और साइज, और फिर के फॉर किलोबाइट, एम फॉर मेगाबाइट, जी फॉर गीगाबाइट, टी फॉर टेराबाइट, एंड पी फॉर पेटाबाइट। तो हमने कहा जी हमारा सिर्फ ये हो जाए 1 GB का, तो आपकी एंट्री ऐसे होगी। ठीक है, प्लस 1 G। ठीक है, प्रेस एंटर, और देखिए एक पार्टीशन अभी आपका क्रिएट हुआ है। डू यू वॉन्ट टू सिग्नेचर, तो हमने कहा यहाँ पर ये चीज़ हो ये आपकी होती है कि ये बाई डिफ़ॉल्ट इससे फॉर्मेट हो जाएगा। इट मीन जैसे कि विंडोज़ में हमारे फैट और NTFS होते हैं ना, कि जिनसे हमारा पार्टीशन फॉर्मेट होता है, लाइनिक्स में अभी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे तो इसमें एक्सटेंडेड 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो सबकी स्टडी अभी हमारी आहिस्ता आहिस्ता होगी। अभी के लिए आई जस्ट प्रेस नो, तो कैपिटल N, और सब कुछ हो चुका है, तो प्रेस P। ये देखिए एक पार्टीशन आपका आ गया है,
और अगर आपका सारा काम हो गया है तो प्रेस W। इसका होता है कि राइट द डिस्क, कि जो भी आपने चेंजमेंट किया है, चाहे आपने पार्टीशन को डिलीट किया है, आपने न्यू बनाया है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क में एंटर हो जाए। एंटर, देखिए मैं आउट हो गया। इसके बाद कमांड होती है पार्ट टू। ये कमांड इसलिए होती है कि जो भी हमने चेंजमेंट किया है वो कर्नल को भी मालूम पड़ जाए। अगर आप पार्ट प्रोब नहीं चलाते हैं तो उस केस में कर्नल को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और ये जो भी आपने काम किया है उस पर कोई भी आपका शो नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट प्रोब, आप कोई भी चेंजमेंट करते हैं आपको पार्ट प्रोब कमांड चलाना ही है। ओके, अगेन सी fdisk-l। और देखिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टीशंस कितने टाइप्स के होते हैं, पार्टीशंस कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे हम लोग न्यू पार्टीशन बनाते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एक्सटेंडेड 2 है, एक्सटेंडेड 3 है, एक्सटेंडेड 4 है, ये फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या चीज़ होता है और कैसे कोई पार्टीशन इससे फॉर्मेट होता है। तो गाइज, अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड ये मेरा चैनल है बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज। आपको क्या करना है कि आपको बस YouTube पे आना है, आपको उसको सर्च करना है और आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि इससे आप हमारे चैनल से अटैच हो जाएंगे और मैं जैसे ही किसी न्यू वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास भी आ जाएगी। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।